गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं तैयार हो रही हूँ। आज है शिवरात्रि, ये सावन की शिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो रही हूँ, तो साड़ी पहना है आज सावन के इसमें शिवरात्रि में। खड़ी होके दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। तो ये साड़ी मैंने पहनी है, लाइट पिंक कलर की है, बहुत ही हल्की सी साड़ी है। तो ये है मेरी साड़ी, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। तो चलिए, आज सोच रही हूँ बाहर चलती हूँ। हमारे घर के पास में ही बहुत ही अच्छा सा मंदिर है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज वहाँ चलते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए पहले अपने भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं भगवान जी को जल चढ़ाने। गाइस, पूजा तो मैंने कर ली है और अब चलते हैं वर्मा जी को लेकर के नीचे पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर दी है और अब हम लोग नीचे मंदिर जा रहे हैं, जिसमें ये कच्चा दूध है, जल है और थोड़ा सा रोली और हल्दी, चावल और दिया। चलें पीहू? चलिए। गुड मॉर्निंग। मैं तो तैयार हो गई। पीहू तैयार हो गई? चलो भाई। हेलो एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। और आज हम लोग भगवान शिव को थोड़ा खुश करने के लिए उनके जल चढ़ाने और दूध चढ़ाना है ना। हाँ। तो वो चढ़ाने के लिए अभी जा रहे हैं। वैसे तो शहद वगैरह भी चढ़ाया जाता है, बट हम लोग ऐसे ही अभी चलते हैं, जल्दी से जल चढ़ाते हैं। यस, ओके, देखें पहले मंदिर खुला भी है कि नहीं। चलिए अंदर चलिए। तो हम लोग आ गए हैं नीचे शंकर भगवान के मंदिर में, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। तो मुझे लग रहा था शायद मंदिर बंद होगा, बट मंदिर खुला था, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। और यहाँ पे पीहू और पीहू के डैडी आ गए हैं जल चढ़ाने को, साथ में कच्चा दूध भी है। तो ये शिवरात्रि जो है ये मेरे ससुराल साइड में मनाई जाती है, मेरठ में। मेरे मायके में तो नहीं होती है। आप लोग में से कौन है जो ये शिवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पीहू अपने डैडी के साथ जल चढ़ा रही है और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही है। उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करना, और वो नहा करके पूजा करती भी है। मैं उसको डेली ऐसा बोलती हूँ कि नहाने के बाद भगवान के हाथ जोड़ो, तो उसको उसके अंदर ये हैबिट भी आ रही है। और बस आज शिवरात्रि का त्यौहार हम लोगों ने इसी तरह से मनाया। आप लोगों ने कैसे किया कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीधा पढ़ ली पियो, सीधा पढ़ ली। चलिए यहाँ पे हम लोगों की पूजा हो गई है और बहुत ही सुंदर क्लीन मंदिर है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके यहाँ का मंदिर। और इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। क्या कर रही हो आरोही? बारिश कर रही है। बारिश करा रही है पीहू तो। आरोही या पीहू? आरोही। आरोही हो? अरे वाह, बारिश हो रही है भाई, बारिश, जिगजैग बारिश होती है पीहू की। वेरी गुड वेरी गुड, पीहू की एक्टिविटी की बुक है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। अरे वाह,
zigzag. अब देखो ये दूसरी तरह से स्टाइल से बारिश हो रही है. कैसे बारिश हो रही है? ये राउंड एंड राउंड करके बारिश. हाँ हाँ बनाओ बनाओ, वेरी गुड. कितना बढ़िया यहाँ पे व्यू का, रेन हो रहा है ना. हाँ बारिश, बादल यहाँ पे, क्लाउड्स है. ये तो व्यू की बारिश कुछ नई स्टाइल से हो रही है क्या? ये देखो, ये यहाँ पे देखो बारिश यहाँ पे हो रही है क्लाउड से, और यहाँ पे फिश जो हैं वो प्ले कर रही है पानी में. अब पानी बनाओ बनाओ पानी. तो गाइस हमारी पूजा पाठ हो गई है और पीबू का मैंने पढ़ाई भी करवा दी है. अब चलिए लंच की तैयारी कर लेते हैं. लंच में मैं आज बनाने जा रही हूँ छोले चावल रोटी. लेकिन जो ये छोले मैं बना रही हूँ, हमारे यहाँ पूजा में मतलब कोई भी पूजा होती है तो लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है, तो मैं भी आज कोई भी प्याज यूज़ नहीं करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने किचन में खाना बनाना और फिर जल्दी से लंच करते हैं. तो मेरा मसाला जो है वो भुन गया है और मैं इसमें, मैंने सुबह ही छोलों को उबाल लिया था, अब मैं उसमें छोले डाल दूंगी. तब तक ये बर्तन जो मैंने क्लीन किए थे सुबह वो मैं अब जगह पे सेट कर दूंगी. और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, आप लोगों का सावन कैसा जा रहा है ये भी बताइएगा कमेंट करके. और बस अब लंच करेंगे अब हम लोग थोड़ी देर में. यहाँ पे पीहू देखिए, पीहू को भी बड़ा मज़ा आ रहा है. वो देखती है कि मैं किस तरह से सामान रखती हूँ उठाती हूँ, तो वो भी ट्राई करती है सामानों को रखने की उठाने की. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो आज मैंने साड़ी पहन के अपना व्लॉग बनाया और सोचा चलो कुछ डिफरेंट करती हूँ आप लोगों के साथ. तो कैसा लगा बताइएगा. साड़ी पहन के काम करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है. और आज तो वैसे भी शिवरात्रि थी तो मैंने पहना. तो चलिए खाना बन गया है, अब मैं मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर. तो चलिए देखें पीहू और पीहू के डैडी क्या कर रहे हैं इधर. हेलो पीहू. Hello. क्या कर रही हो? मैं डैडी के साथ पियानो बजाने जा रही हूँ. मेरे पास पियानो का चार्जर नहीं था तो मैंने सोचा कि पियानो का चार्जर जल्दी से मिल जाए. और ये यहाँ क्यों आ गया क्वेश्चन? अच्छा तो डैडी आपके लिए चार्जर ढूंढ रहे हैं. ये वाला मिल पाया छोटा सा. क्यों, इसका कोई वीवो का चार्जर वगैरह नहीं है? तो पीहू उधर ही प्ले करने वाली है आज पियानो. हाँ उधर ही बैठ के पीहू पियानो बजाएगी. चलो देखो कैसे बजाती है पियानो, देखे आओ. चलो और वर्मा जी क्या हो रहा है? बस यार जुगाड़ कर रहा हूं पीहू के लिए. हाँ तो ये तो अच्छी जगह है, यहाँ पे तो पीहू प्ले कर सकती है, उस पे बैठ सकती है ना उधर. सारे गामा पाधा. ये है पीहू का पियानो जो एक बार पीहू को बर्थडे पे दिलाया था हम लोगों ने. हैं पीहू बजाएगी? पीहू बजाएगी.
आज के अगर वेदर की बात करें तो धूप बहुत तेज है, गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है आजकल, बारिश बहुत कम है। आई होप आज के व्लॉग को आपने पसंद किया होगा, क्योंकि आज मैंने कुछ डिफरेंट करने की सोचा। मुझे लगा कि आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल वाइब्स हैं, तो अच्छा है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक मिनट फैन ऑन कर लेती हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ साड़ी में व्लॉग शेयर करते हैं, क्योंकि इधर मैं जब से मुंबई आई हूँ तो वही इंडियन वेयर तो पहना नहीं है, वेस्टर्न ही वेयर पहनती थी, तो मुझे लगा चलो आज इंडियन वेयर पहनते हैं, क्योंकि आज है शिवरात्रि का दिन, तो भगवान भोले को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, इसी बहाने पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। साड़ी तो अच्छी लगती है वर्मा जी को, इसीलिए मैंने पहना साड़ी। और आई होप आज के ब्लॉग को आपने इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, कुछ तो इंटरेस्टिंग और होने वाला है ब्लॉग्स में। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं फिनिश कर देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने ब्लॉग को लाइक जरूर किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।